हाँ दोस्तों, आपने कभी ताजे भुट्टे से रोटी बनाने का ट्राई किया है क्या? अगर नहीं किया है तो फटाफट से ये वीडियो देखिए और देखिए कैसे बहुत जल्दी हम ताजे भुट्टे से बहुत टेस्टी रोटी बना सकते हैं। और इसे बनाना इतना आसान है कि ये 10-15 मिनट में आराम से रेडी हो जाएगी और ये खाने में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसके लिए हमने भुट्टे को सबसे पहले छील लिया था, इसके बाद इसके दाने हमें निकाल लेने हैं। दोस्तों चाकू की सहायता से हम निकाल लेंगे, आप चाहें तो हाथ की सहायता से निकालिए, बाकी चाकू से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसके सारे दाने हमने निकाल लेने हैं, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब बारी है इसे पीसने की। तो दोस्तों याद रहे, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि इसे हम बिना पानी के ही पीसेंगे, लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़ती है थोड़ा पानी मिलाने की तो आप बिल्कुल ज़रा सा पानी मिलाइए और पीसिए। यहाँ पर तो मैं बिना पानी के इसे पीस ले रही हूँ, तो ये देखो दोस्तों। लेकिन हाँ, इसे पीसते वक्त आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि इसे बहुत अच्छे से पीसिएगा, इसमें दरदरा टेक्सचर नहीं होना चाहिए, वरना रोटियाँ बहुत अच्छी नहीं बनेगी दोस्तों। तो ये देखिए इसका फाइन पेस्ट हमने बना लिया है और इसे हमने बिना पानी के ही पीस लिया था। अभी बचा वाले दाने भी हम इसी में जार में पीस लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर छोटा वाला जार लिया था, इसके लिए मेरे को दो बार में पीसना पड़ा। तो अभी ये देखिए भुट्टे तो पिस गए, अभी इसमें मिलाना है 1 चम्मच अजवाइन, स्वादानुसार नमक, थोड़ा चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर। दोस्तों अभी मिलाना है गेहूं का आटा, पर ध्यान रहे गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बाइंडिंग के लिए थोड़ा गेहूं का आटा मिलाएंगे। और 1 चम्मच घी लेना है और इसका डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। दोस्तों याद रहे, आटा आप उतना ही लीजिएगा जितना कि हमने मकई जो पीसी थी तो वो गीली थी, तो इसमें आटा हम थोड़ा मिलाएंगे तो इसमें अच्छे से डो बनकर रेडी हो जाएगा। अभी हमें हाथ में थोड़ा घी लेना है और इसमें भी आटे में अच्छे से लगाकर इसका सॉफ्ट डो बना लेना है, ताकि रोटी बेलते वक्त ये बड़े आसानी से बेल जाए और बहुत ही आसानी से पक जाए। ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि मक्के की रोटियां बनाने में काफ़ी झंझट लगती है, इस तरीके से आप बनाइए दोस्तों, बिल्कुल भी झंझट नहीं लगने वाली है। और ताज़ी मकई की रोटी बनाएंगे ना तो आपको वो नॉर्मल वाली मकई की रोटी से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। पर दोस्तों एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें, जब भी आप रोटी को बेलें तो एक लोई बनाएं, उसके बाद आप उसे बेलिए, फिर जब आप रोटी नेक्स्ट बेलेंगे तभी आप लोई बनाइए, इसके पेड़े पहले से बनाकर मत रखिए जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं। तो सूखा आटा मिलाकर इसमें हमें हल्के हाथों से रोटी को बेलकर तैयार कर लेना है। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलेंगे दोस्तों, मीडियम ही रखेंगे। और अभी गरम गरम तवे पे हमें डाल देनी है इसे बेली हुई रोटी और इसे हमें सेक लेना है दोस्तों। कॉटन के कपड़े से इसे दबाकर अच्छे से हमें सेक लेना है ताकि अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। दोस्तों यहाँ पे जो हमने इसमें अजवाइन और मिर्च वगैरह मिलाई है ना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मक्के की रोटी बिना घी के तो अधूरी है दोस्तों, भर भर के घी लगाइए इसमें और फिर अचार, मिर्ची चटनी जिसके भी साथ खाइए। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको रेसिपी के